हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बिग फैशन यूट्यूब चैनल। मैं अजय आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे SEO के बारे में और जानेंगे कि इसके इम्पोर्टेंस क्या है और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो चले गाइस देखते हैं। तो इस आज के ज़माने में क्या होता है, अगर आपको किसी को भी अगर किसी चीज़ का आंसर चाहिए तो लोग क्या करते हैं बेसिकली कि जाते हैं सीधा गूगल पे और सर्च करते हैं, गूगल के ऊपर अपनी क्वेरीज डालते हैं और गूगल उनको उनकी क्वेरीज का आंसर दे देता है। तो वैसे अगर आप भी अगर कोई भी अगर एक बिजनेसमैन है और उनको और वो चाहते हैं कि अगर कोई भी बंदा आ रहा है और गूगल पे सर्च कर रहा है और वो सर्च उनके जो वेबसाइट है उसको मैच कर रहा है, उनके कीवर्ड्स को मैच कर रहा है जो उनको वेबसाइट पर है, तो वो चाहते हैं कि उनका जो वेबसाइट है वो टॉप रैंक कर रहे हैं, वो पहले पेज पे आए, पहले पेज पे आ रहा है तो टॉप थ्री में आए, अगर टॉप थ्री में आ रहा है तो टॉप वन में आए। तो यही होता है गाइस, अगर यही चाहता है बिजनेसमैन कि उनका जो बिज़नेस है, जो बिज़नेस का वेबसाइट है वो टॉप रैंक करे हमेशा। पर ऐसा हमेशा नहीं होता गाइस, क्योंकि आपके साथ आपके कंपटीटर्स भी है जो इस चीज़ में है। ऐसा है कि आपका जो बिज़नेस कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो वो भी चाहते हैं कि उनका भी वेबसाइट जो है ऊपर दिखे, वो भी चाहते हैं कि उनको भी बिज़नेस मिले। अगर समझिए, अगर किसी का भी वेबसाइट पहले पेज पे होगा, टॉप थ्री में होगा, तो हमें ऑब्वियसली जो लोग हैं वो उसी पे क्लिक करेंगे और उन्हीं का बिज़नेस होगा और उन्हीं को क्लिक्स ज़्यादा आएंगे। तो गाइस इसीलिए सब चाहते हैं कि उनका जो बिज़नेस है वो ऊपर रहे, इसीलिए सब लोग यही ट्राई कर रहे होते हैं कि उनका जो वेबसाइट है वो हमेशा ऊपर रहे और उसके लिए कोशिश कर रहे होते हैं। तो गाइस हम एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं, समझिए अगर एक यूज़र है वो सर्च कर रहा है गूगल के ऊपर और उसको लेफ्ट साइड में कुछ क्वेरीज मिल रही है, तो हम क्या चाहते हैं फिर अभी कोई भी बंदा क्या करता है कि वो जो टॉप पे जो वेबसाइट होता है उस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद कहाँ जाते हैं, हम वेब पेजेस पे जो भी वेबसाइट के होंगे उसके ऊपर जाते हैं। तो अगर समझिए अगर आपका वेबसाइट है तो अगर कोई क्लिक कर रहा है तो आपको क्लिक होगा, क्लिक मिलेंगे, क्लिक मिलने के बाद क्या होगा, आपका जो बिज़नेस है वो बूम होगा। तो यही होता है गाइस, अगर कोई भी आपको लाइक कोई भी बंदा आ रहा है और क्लिक कर रहा है, जो टॉप के जो होता है वेबसाइट उसी पे क्लिक करते हैं, मोस्टली जो होता है वो वहीं पर क्लिक करते हैं, कोई हम लाइक नेक्स्ट पेज जाके देखते नहीं है, क्योंकि हाँ मोस्ट ऑफ द चीज़ हमको फर्स्ट दो तीन इसमें ही मिल जाती है। तो गाइस इसीलिए सब चाहते हैं कि जो उनका वेबसाइट है या वेब पेजेस है वो ऊपर ही आए। तो बेसिकली गाइस यही होता है कि कोई भी बिजनेस ओनर है वो वही यही चाहता है कि उनका जो वेबसाइट है वो टॉप थ्री या टॉप फोर में ही दिखे, क्योंकि और वो भी एक स्पेसिफिक कीवर्ड्स जो वो खुद मेंशन करे उसके हिसाब से, क्योंकि आप ये तो नहीं चाहते कि आप समझिए आप एक डिजिटल मार्केटिंग की एक एजेंसी चला रहे हैं और कोई गुड इंग्लिश लाइक गुड स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स करके सर्च कर रहा है और आपका जो वेबसाइट है वो उसमें शो हो रहा है टॉप थ्री में, तो आप ये तो नहीं चाहते, क्योंकि जो कीवर्ड है वो मैच ही नहीं हो रहा। तो जो कीवर्ड होता है वो भी बहुत मेन होता है, उसके हिसाब से ही आपका जो लिस्टिंग होती है वो ऊपर आती है और वो आप चाहते हो कि उसी लाइक जो डिजिटल मार्केटिंग जो सर्च कर रहा है बंदा उसके हिसाब से ऊपर आए। और मैं ये भी चाहता हूँ कि जो मेरा डिजिटल मार्केटिंग का कंसल्टेंसी वो इन इंडिया सर्च हो, मैं तो ये नहीं चाहता कि लाइक मैं ये तो नहीं चाहता कि मैं अब्रॉड में सर्च हो, मैं चाहता हूँ कि मैं इंडिया में ही सर्च हो। तो गाइस कोई भी बिजनेस ओनर है वो यही चाहता है कि उनका जो वेबसाइट है वो टॉप में लिस्ट करे, तो इसी के लिए वो जो कीवर्ड्स हैं यहाँ में बहुत मेन रोल करते हैं। तो इसी के लिए जो स्ट्रैटेजी होती है, जो प्लानिंग होता है, जो भी हम मेहनत करते हैं इसके लिए, उसी को हम कहते हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये सारे स्ट्रैटेजी और सब कुछ मिला के ही हम हमारा जो वेबसाइट है उसको हम रैंक कर सकते हैं इन टॉप पेज और इन टॉप थ्री रैंकिंग। तो गाइस अभी हम बात करते हैं व्हाट इज़ SEO, उसका फुल फॉर्म क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, हम ये जानते हैं। तो व्हाट इज़ SEO, SEO इज़ अ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इंक्लूड्स एफर्ट्स फॉर रैंकिंग वेबसाइट्स इन सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस ऑन सर्टेन कीवर्ड्स। इसका मतलब है जो हम मेहनत करते हैं, जो हम एफर्ट डालते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे ऑन सर्टेन कीवर्ड्स, इसी को हम SEO कहते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल एक्टिविटीज़ क्या क्या करनी पड़ती है, यहाँ पर तीन एक्टिविटीज़ लिखी गई, वो है ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO और टेक्निकल SEO। तो गाइस हम पहला देखते हैं ऑन पेज SEO। तो गाइस इसमें क्या होता है, जो भी हम चेंजेस करते हैं हमारे खुद के वेबसाइट के ऊपर, जैसे ये होगा टाइटल हो गया, इमेजेस हो गया, कंटेंट हो गया, हेडर हेडिंग्स हो जो होते हैं वो हो गया, कितना बड़ा कंटेंट है हमारा वो हो गया, कितने कीवर्ड्स है, कितने कैरेक्टर्स है, तो ये सारे चेंजेस जो जब हम करते हैं ऑन पेज हमारे पेज में, जो हमारा वेबसाइट का पेज है उसके ऊपर, उसको कहते हैं ऑन पेज SEO।
तो ये दूसरा जो है वो है ऑफ पेज SEO। इसमें क्या होता है, हम चेंजेस तो करते हैं बट हमारे खुद की वेबसाइट पे नहीं, किसी और जगह पे जाके हम चेंजेस करते हैं। मोस्टली इस पे जो लिंक होता है वो है बैंक लिंकिंग, तो इसमें गाइस चेंज करते हैं बट हमारे खुद के वेबसाइट पे नहीं, किसी और जगह जाके हम चेंज करते हैं। तो गाइस टेक्निकल SEO में हम करते क्या हैं, जो हमारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उसको हम उनको हम मैनेज करते हैं ताकि हम गूगल के जो टर्म्स हैं उनको फॉलो कर सके। तो गाइस ओवरऑल क्या होता है गाइस कि जो ये सारे एक्टिविटीज़ हैं इसको इसको हम ऐसे मैनेज करते हैं कि जो हम गूगल के टर्म्स हैं, जो गूगल हमको जो टर्म्स दी गई उनको हम अच्छे तरह से फॉलो कर सके। तो गाइस टेक्निकल SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से गूगल टर्म्स क्या कहते हैं कि आपका जो वेब पेज है या फिर वेबसाइट है उसका जो स्पीड है वो ऑप्टिमाइज होना चाहिए। तो स्पीड ऑप्टिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि जो हमारे फोटोज़ है उसको हम कंप्रेस कर देते हैं, जो हमारे फॉन्ट है उनको हम कंप्रेस कर देते हैं, तो बाकी जो भी चीज़ है उनको हम सबको कॉम्प्रोमाइज या फिर चेंज कर देते हैं। तो ये सारी होता है लाइक गूगल हमारे गूगल जो टर्म्स है वो बोलते हैं स्पीड ऑप्टिमाइज रखने के लिए। तो गाइस यही सारे एक्टिविटीज़ करके हम जो गूगल के टर्म्स हैं उनको फॉलो करके ही जो हमारी वेबसाइट की रैंकिंग है वो हम बढ़ा सकते हैं। तो यही गाइस होता है कि जो हमारे जो गूगल के टर्म्स हैं, जो एल्गोरिदम्स हैं वो इन्हीं को मैच करके चलते हैं और हमारे जो वेबसाइट का जो रैंकिंग वो बढ़ सकता है। तो गाइस ये सारे जो एक्टिविटीज़ जो मैंने लिखी हुई है, जो मैंने ब्रॉडली उसको जो डिस्क्राइब किया गया है, जैसे कि जो ऑन पेज SEO उसमें हम टाइटल चेंज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं, कंटेंट चेंज कर सकते हैं, ऑफ पेज SEO में हम जो बैकलिंक्स होते हैं उसको हम ऐड कर सकते हैं, जो करना होगा वो पूरी चीज़ यहाँ पर हम कर सकते हैं। उसके बाद टेक्निकल SEO में जो दो टर्म्स है या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें, जैसे कि अपना SEO सिक्योर हम कर सकते हैं वेबसाइट को, SSL सर्टिफिकेट है या नहीं गूगल टर्म्स देखता है, स्पीड देखता है हमारा जो वेब पेज का कितना स्पीड है वो देखता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है गाइस, ये सारी चीज़ें हैं इसके वजह से ही हमारा जो वेब पेज का जो रैंक है वो बढ़ता है, और हमको जो गाइडलाइंस है गूगल के उसके वजह से ही हम अगर हम उसको उनको फॉलो करेंगे तो ही हमारा जो वेब पेज है उसको हम टॉप रैंक पर ला पाएंगे। तो गाइस आपको और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बतानी है, वो है ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत टाइम टेकिंग चीज़ें हैं। ऐसा तो नहीं हो कि अगर आपने आज ही वेबसाइट आपने लाइक लॉन्च की है और आपने ये सारी चेंजेस करना स्टार्ट कर दिया तो ऐसा नहीं हो कि आपको उसी दिन रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा। ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है गाइस, क्योंकि गूगल देखता है आपको पूरे आपके जो कर रहे हो वो सारी चीज़ों को नोटिस करता है, देखता है कि आप गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हो नहीं। तो जो गूगल का जो एल्गोरिथम या फिर सिस्टम होता है वो इन सारी चीज़ों को देखता है, आप कैसे जो हेडिंग है, जो भी इमेज डाल रहे हो वो सही डाल रहे हो या नहीं, कंटेंट जो लिख रहे हो वो सही लिख रहे हो कि नहीं। तो गाइस ये सारे जो चीज़ें होते हैं इसके वजह से ही जो आपका जो रैंकिंग है तो बढ़ता है। अगर आप फ्रॉड कर रहे हो या फिर घुमाने की कोशिश कर रहे हो गूगल को कि कुछ चीज़ें गलत करके, तो जो गूगल है आपको पैनल डाल सकता है, आपको ब्लैक हैट करके पैनल डाल सकता है। तो आपको बहुत सारी चीज़ों को नोटिस करना होगा और बहुत सारी चीज़ों को सीखना होगा ये चीज़ें SEO रन करने से पहले या फिर इन सब चीज़ों को, इन एक्टिविटियों को करने से पहले। तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि जो लोग हैं, जो यूज़र्स हैं जिनका वेबसाइट है, वो ऐसे काम करते हैं कि जैसे ब्लैक हैट जो एक्टिविटीज़ है उनको हेल्प लेके उनका जो वेबसाइट का वो रैंक बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बट वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गूगल है, जो गूगल का एल्गोरिथम है वो बहुत मैच्योर हो चुका है, वो अभी जानता है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो आपको फर्क जानना पड़ेगा कि वाइट हैट जो एक्टिविटी है वो क्या है और ब्लैक हैट, तो आपको जेन्युइन तरीके से जाना है, जेन्युइन तरीके से वर्क करना है वहाँ पर, तो ही आपका जो रैंकिंग है वो बढ़ सकती है मैच्योरली। अगर आप ऐसा नहीं करते हो और समझे फॉर थोड़े दिन के लिए आपका जो रैंक है वो बढ़ भी जाएगा, बट थोड़े दिन के बाद आपको पेनल्टी भी लग सकती है। तो एक बार पेनल्टी लग गई तो आप CRP से बाहर भी हो सकते हैं, आपको जो वेबसाइट है वो ब्लॉक भी हो सकता है। तो ऐसे चीज़ों की तरफ नहीं जाना है, बेस्ट वे ऑफ जो आपको करना है वो सीधा गूगल के जो टर्म्स हैं वो फॉलो करके जेन्युइनली आपको जाना है, तो ही आपको जो रैंक है गूगल का वो प्योरली आपको मिल सकता है। तो गाइज़ ये बहुत ही हम टेक्निकल में जा रहे हैं, मैं वापस SEO में आता हूँ। तो गाइज़ हर एक जो ओनर है वेबसाइट का वो यही चाहता है कि उनका जो वेबसाइट है वो हमेशा टॉप पर रैंक करे, जो भी एक्टिविटीज करे उसको हेल्प लेके, गाइडलाइंस को हेल्प करके उनका जो वेबसाइट है वो हमेशा टॉप रैंक करे। तो गाइस जब आप ये सारे एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हैं और जो गूगल के टर्म्स है गाइडलाइंस है उन सबको फॉलो करते हैं, इसी सभी को कहते हैं हम SEO। वो एक्टिविटीज़ क्या है गाइस, जैसे मैंने बताया आपको ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO और टेक्निकल SEO। तो ये सारे जो
एक्टिविटीज़ है ये करने के बाद ही जो हमारा वेबसाइट का रैंक है वो बढ़ता है। और एक चीज़ है दोस्तों, अगर आपको रैंक जल्दी बढ़ाना है तो और एक है SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग। इसमें प्राइसिंग लगती है, अगर कोई भी यूज़र सर्च कर रहा है तो उसके ऊपर एक ऐड आएगा, अगर उस यूज़र को वो चीज़ जेन्युइन लगती है तो वो उस ऐड पर क्लिक करेगा और आपका जो रैंक है वो अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो गाइस ये होता है SEM, तो ये तो हम बाद में बात करेंगे। तो यही सारे एक्टिविटी होते हैं गाइस जो SEO होता है, और इसी वजह से जो अपना आपका जो रैंक है वो बढ़ता है। तो गूगल देखता है कि अगर समझे अगर आपका एक एक टाइम के बाद आपका जो वेबसाइट का जो वेबसाइट है आपका वो उसका जो वो उसका रेपुटेशन बढ़ गया तो आप अगर एक भी पोस्ट करते हो तो उसका रैंक इजीली हो जाता है। तो आपको मुझे लगता है कि आपको बेसिकली आपको समझ आ ही गया होगा कि SEO क्या है, इसके जो एक्टिविटीज़ क्या है और उसको कैसे कैसे चलाना है, क्या क्या चेंजेस करने हैं और कैसे कैसे टर्म्स और कंडीशंस को गूगल के फॉलो करना है। तो गाइस हम अगले वीडियो में देखेंगे कि SEM क्या है, सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होता है और उसको कैसे चलाते हैं, उसको रन कैसे करते हैं, उसका रन कंपेन जो होता है उसको रन कैसे करते हैं, तो ये सारी बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।